लक्ष्य चूक जाए तो माफ हो जाएगा, लेकिन अगर लक्ष्य छोटा हो वो माफ नहीं होना चाहिए। जब लक्ष्य रखना है तो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। एक बार पहुंच वाला लक्ष्य जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर नए लक्ष्य का प्रेरणा उसी में से निकल के आएगा। हमें पहले अपने आप को भली भांति जानना चाहिए, अपने तरीके से जानना चाहिए, अपने माँ बाप के संदर्भ में नहीं, अपने टीचर्स के संदर्भ में नहीं, खुद के संदर्भ में। मैंने जो तय किया था पहले, क्या हुआ उसका, उससे आपको पता चलेगा हाँ इतना तो मैं कर सकता हूं। तो फिर तय करो, यहां नहीं रुकना है, 5 कदम और आगे जाना है। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की वो ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सपने ही मरे पड़े हों तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है। ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा मत यही रहेगा कि लक्ष्य साफ होने चाहिए। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतिम लक्ष्य और दूसरा उस अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य। छोटे छोटे लक्ष्य बना के आप उसको हासिल करते जाओ और ये धीरे धीरे आपके बड़े लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। हमने भी कोशिश यही करनी चाहिए, तब जाकर हम लक्ष्य के साथ जीवन को चला सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हुआ तो हमने एक बार अपने अंदर उस लक्ष्य के राह में जो आने वाला प्रोसेस है उसको देखना चाहिए कि जो लक्ष्य मैंने तय किया कहाँ कमी रह गई, मेरे मेहनत में कमी रही, मेरे प्लानिंग में कमी रह गई। इन छोटे छोटे लक्ष्य का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य को पाने में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी, आप उसको आसानी से करेक्ट करते जाओगे, पार करते जाओगे। लक्ष्य सिर्फ होना एनफ नहीं है, लक्ष्य पाने के रास्ते में अपना कितना कंसंट्रेशन है, आप कितनी एनर्जी लगाते हैं, किस काम के लिए कितना समय लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, इस पर अगर आप जागृत हैं तो मुझे विश्वास है वो लक्ष्य कभी बेकार नहीं जाता। वो लक्ष्य आपको कभी भी सामर्थ्यवान ही बनाएगा। आप जिस लक्ष्य पे चलते हो चलते रहो। सो टारगेट अ बिग गोल एंड ट्राई टू कंप्लीट इट स्मॉल स्मॉल पार्ट इनटू इट। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट डे।